पीएम मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत बिहार से की। ये योजना 6 राज्यों के 116 जिलों में चलेगी, जिसे मजदूरों को रोजगार देने के लिए शुरू किया गया है। लॉन्चिंग कार्यक्रम में घर लौटे प्रवासी मजदूरों से पीएम मोदी ने बातचीत भी की। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया एकेडमी फॉर कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड के लिए हैदराबाद पहुंचे। उन्होंने पासिंग आउट परेड के दौरान वायुसेना के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि गलवान में हमारे जवानों की शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। हमारी आर्मी हर समय तैयार और सतर्क है। LAC पर छोटी सी सूचना पर हम हालात को संभालने के लिए तैयार हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ आंकड़ा 3,95,000 के पार पहुंच गया है। कोविड-19 की चपेट में आकर भारत में अब तक 12,948 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 14,500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 375 लोगों की मौत हुई है। देश की राजधानी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच गया है, तो वहीं महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 1,24,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दिल्ली के साकेत मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। सत्येंद्र जैन को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है। उन्हें फिलहाल बुखार नहीं है। अगले 24 घंटे तक डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रखेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए 5 दिन सरकारी क्वारंटीन में रहना अनिवार्य होगा। नए आदेश के मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे सीधे 5 दिनों के लिए कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन भेजा जाएगा। इसके बाद ही किसी व्यक्ति को होम आइसोलेशन में भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल है। फिरोजाबाद के थाना नजीरपुर क्षेत्र के पास एक तेज रफ्तार कार खड़ी ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर 5 लोगों की मौत हो गई। सुबह करीब 5:30 बजे के पास एक रोड एक्सीडेंट हो गया है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे में, जिसमें एक फोर व्हीलर गाड़ी यौन गाड़ी जो कि आगरा की तरफ जा रही थी 53 किलोमीटर लैंडमार्क पर इसका एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त और उसमें 6 लोग सवार थे, जिसमें से 4 लोगों की डेथ हो गई है और 2 लोगों को अस्पताल भेजा गया है, जिसमें से एक और व्यक्ति की कैजुअलिटी वहाँ पे हो गई है। तो कुल मिला के इस घटना में मौसम के उतार चढ़ाव के बीच दिल्ली NCR में आज सुबह 5 बजे के आसपास बारिश हुई। शाम को फिर से बारिश होने के आसार हैं। दिल्ली NCR के मौसम में आए बदलाव का ये दौर 25 जून तक लगातार बना रहेगा। इस बार मॉनसून के दौरान दिल्ली NCR में अच्छी बारिश की संभावना है। बॉर्डर पार से भारतीय सीमा में रेकी करने के मकसद से भेजे गए पाकिस्तानी ड्रोन को BSF ने मार गिराया है। ड्रोन में कुछ हथियार भी बंधे हुए थे। BSF और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। आज यानी 20 जून को भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। ये लगातार 14वां दिन है जब तेल कीमतें बढ़ी हैं। शनिवार 20 जून को पेट्रोल के दाम में 51 पैसे बढ़े, जबकि डीजल के दाम में 61 पैसे का उछाल आया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी अब दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। फोर्ब्स लिस्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी की नेटवर्थ अब 64.6 अरब डॉलर हो गई है। अंबानी की नेटवर्थ में ये इजाफा शुक्रवार को RIL के शेयरों में आई जबरदस्त उछाल के चलते हुआ। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।